रहमान रहीम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। शुक्र अल्लाह का, आप अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबको महफूज रखे। आज हम बना रहे हैं बम्बई बिरयानी। बम्बई बिरयानी के लिए मैंने ये चावल भोए हुए हैं। चावल मैंने पहले भगो दिए हैं, आधा घंटा पौना घंटा तकरीबन हो जाएगा इनको जब मैं बॉयल करूँगी। उसके बाद मैंने ये टमाटर लिए हैं, हरी मिर्चें ली हैं, ये मैंने चिकन लिया है, ये दही है, दही भी लूँगी इसमें से। सारा तो नहीं डालना, वो मैंने एक बाउल में वैसे डाला, तो अब मैं जितना ज़रूरत होगी इससे ले लूँगी। और ये मैंने प्याज लिया है और ये मेरा लहसुन अदरक है, इससे लहसुन अदरक डालूँगी। आज मैंने वो छनियों में चीज़ें नहीं डाली, जल्दी है ज़रा इसलिए। तो ये कुटी हुई मिर्चें हैं, ये सूखा धनिया पिसा हुआ है, और ये वो बाजिकता के फूल है, ज़ीरा है, दो बड़ी इलायची हैं, दालचीनी है, नमक है। और अब मैं ऊपर तेज की रखी हुई है रहीम, मैं इसमें कुछ डाल रही हूँ। उस साइड में मैं चावल रख दूँगी उस साइड पे, अभी मैं उसमें पानी डाल के कढ़ाई में गोभी गोभी रखती हूँ। मैंने कहा इधर मैं अपनी इधर प्याज रख दूँगी ताकि हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, मैंने प्याज डाल दिया करना और थोड़ा ज़रा नरम करूँगी, अभी हो रहा है थोड़ा। तो ये मैंने पानी चावलों के लिए मैंने पानी रख दिया, इसमें मैं डालूँगी नमक। तकरीबन दो चम्मच नमक डाल दिए मैंने। और थोड़ा कुकिंग ऑयल डालूंगी, मैं डाल रही हूँ ज़ीरा, दालचीनी, वही जो मैंने अभी बताया था वही मसाला, ये भी सारा ये भी डाल दिया। रखमाने रहे जो देखिए प्याज इतना तो हो गया, ज़्यादा ब्राउन इसको नहीं करना। अब इसमें मैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था वो भी थोड़ा हो गया, अब मैं डाल रही हूँ ये टमाटर का पेस्ट जो बनाया था वो वाला। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखिए ये भी मसाले सारे मैं डाल रही हूँ। अभी इनको अच्छी तरह तरह भून लूँगी, भून के फिर चिकन डालूँगी इसमें। पानी पक रहा है, फिर मैं चावल डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा सा सिरका डाल रही हूँ ताकि ज़रा चावल खिले खिले हो जाते हैं। इसके साथ नींबू डालो या सिरका डालो, बस ये अभी पकेगा।
मेरा हो गया देखिए सामने हो गया, इसलिए मैं तो ठंडा रही हूँ। बिस्मिल्लाह तो अच्छी तरह भून लूंगी। ये देखो जो चिकन भून रहा है, इसमें मैं डाल रही हूँ ये बम्बई मसाला। मसाला भी डाल दिया मैंने। मेरा हूँ ये देखे जी चावल हो गए हैं, मैंने इनको चेक कर लिया इस तरह। ये देखे अब मैं इनको उतार रही हूँ। मैंने रही जो मेरे अभी आपको बताया था बम्बई बिरयानी बना रही हूँ, तो मैंने चावल बॉयल करके फिर उसकी मैंने वैसे ही तह लगा दी थी जैसे आम बिरयानी के लगाते हैं, इसकी भी वैसे ही तह लगा के मैंने दम पे रख दिया था। तो अब ये तैयार हो गई है, तो ये देखिए मैंने डाल के आपको दिखाई है कि ये ऐसे बनती है, ऐसे ही कलर इसका आता है, जैसे भी है ये बनती है। तो ये थोड़ा इसका नाम उसके उनसे हट के है दूसरी बिरयानी से, मगर तरीका कुछ थोड़ा बहुत वो भी है और थोड़ा चेंज भी है। तो आप भी इसी तरह बनाएं, खाएं, मज़े करें, दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे आपके नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।